घातक कोरोना वायरस के चलते भारतीय महिलाओं की हॉकी टीम को चीन के अपने दौरे को रद्द करने पर मजबूर कर दिया है और वही ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी के लिए टीम के हॉलैंड के लिए उड़ान भरने की उम्मीदें हैं। भारतीय गोलकीपर सविता पुनिया ने हाल ही में खत्म हुए न्यूजीलैंड दौरे और वहाँ से टीम को मिली सकारात्मकता के बारे में बताया। बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ ही गए थे क्योंकि काफ़ी ट्रेन किया था और वही चीज़ का था कि हमने गेम में कुछ जैसे हमारे जो प्रेस होते हैं या उस चीज़ पे हमें प्रैक्टिस मैच था तो हमें बिफोर ओलंपिक्स वो ट्राई करना था और ऑफकोर्स दो मैच में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो उसके बाद हमने सबने फिर वही बात किया कि हमारे पास ओलंपिक से पहले उतने ज़्यादा मैचेस नहीं हैं तो जो मैच है हमें उसमें अपना बेस्ट देना है तो लास्ट टू मैच काफ़ी अच्छे मैच रहे हमारे। पुनिया का मानना है कि टोक्यो ओलंपिक से पहले इन अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने से टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल ऑफकोर्स जैसे कि आपको पता है न्यूजीलैंड है तो उनका फुल स्क्वाड खेला है, इंग्लैंड था उनका फुल स्क्वाड था तो हर एक के अंदर इंडिविजुअल काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बिफोर ओलंपिक्स अच्छी टीमों के साथ अगर ऐसे मैच खेलने को मिले तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस हाई होगा। जबकि घातक कोरोना वायरस के चलते टीम का चाइना टूर रद्द कर दिया गया है, ऐसे में सविता को हॉलैंड का दौरा करने की उम्मीद है। अभी तो ज़्यादा कुछ स्केड्यूल तो उतना नहीं पता बट जो है कि जैसे चाइना टूर था बट वो अभी कैंसिल हो गया, उसके बाद शायद हॉलैंड का टूर का अभी कर रहे हैं और बिफोर ओलंपिक्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी है तो वो भी है, एशियन टीमें अच्छी टीमें होती हैं तो वो हमारा मेन फोकस है कि ओके जितने मैच मिलते हैं हमें अपना अच्छा करना है।